समर्स ब्राइट डेज के साथ साथ लेके आती है बहुत सारी धूप, बहुत सारा पसीना और बहुत सारी टैनिंग. यस, एंड ये जो टैनिंग है ज़्यादा कंसर्न हमें रहता है अपने फेस की टैनिंग का, क्योंकि हमारे फेस में ज़्यादा टैनिंग देखने के लिए मिलती है एज़ कम्पेयर टू अदर पार्ट ऑफ द बॉडी. क्योंकि जो हमारी फेस की स्किन होती है वो ज़्यादा सेंसिटिव होती है एंड थिन होती है अदर पार्ट के कंपैरेटिवली, तो वो बहुत जल्दी टैन हो जाती है. नाउ अब ये टैनिंग होती कैसे है, रिवर्स करने से पहले हम ये जानते हैं कि टैनिंग होती कैसे और क्यों होती है एंड इज़ इट गुड. क्योंकि कई लोग बोलते हैं कि टैनिंग एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है हमारी बॉडी का, तो उसके बारे में आज जानते हैं. तो जब हम सन एक्सपोजर में होते हैं तो जो हार्मफुल रेडिएशंस होती है वो हमारी स्किन में डीपली पेनिट्रेट करती हैं, जिसकी वजह से हमारी स्किन में मेलेनिन का प्रोडक्शन बढ़ जाता है. क्योंकि वो रेडिएशंस मेलेनोसाइट्स एक सेल्स होते हैं हमारी स्किन में, उनको स्टिमुलेट करती है जो कि मेलेनिन का प्रोडक्शन बढ़ा देते हैं. कई हमने देखे सेलिब्रिटीज़ मॉडल्स, वो लोग खुद को टैन करते हैं, इंटेंशनली टैन करते हैं. और कई लोग ये भी बोलते हैं कि टैनिंग तो एक अच्छी चीज़ है, इट्स अ प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म ऑफ आर बॉडी. और वो सही भी है, क्योंकि जो मेलेनिन होता है वो क्या करता है कि जो सन रेज हैं उनको एब्जॉर्ब करके उनको स्कैटर करता है, ताकि वो हमारे सेल्स के डीएनए को डैमेज ना करें और कैंसर जैसी कंडीशन ना बने बॉडी में. तो इसीलिए इट्स अ गुड थिंग, बट डैमेज इज़ डैमेज. और डैमेज हो रहा है तो लॉन्ग टर्म में, लॉन्ग रन में वो आपको स्किन में एजिंग को भी बनाता है. इसके अलावा कई लोगों के पिगमेंटेशन, क्योंकि स्किन डलनेस के साथ साथ अगर पिगमेंटेड स्किन है तो वो और ज़्यादा डार्क हो जाता है, मेलाज्मा जैसी कंडीशन देखने को मिलती है. कई लोगों को एक्ने भी हो जाता है हीट की वजह से. तो ये कुछ कंसर्न्स हैं जो हमारे स्किन में देखने को मिलते हैं सन एक्सपोजर से. अब हम करें क्या उसके लिए. नाउ नेक्स्ट स्टेप इज़, अब टैनिंग से या तो हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं या फिर हम उसको ट्रीट कर सकते हैं. हमारे पास दो कंडीशन रहती है, दोनों ही ज़रूरी है. क्योंकि अगर आपको टैनिंग हो गई है तो उसको फर्दर अपने स्किन को डैमेज होने से बचाना, उसके लिए हमें प्रोटेक्शन की ज़रूरत है. प्लस जो डैमेज हो गया वो और डिटोरिएट ना हो, उसके लिए भी हमें प्रोटेक्शन की ज़रूरत है. एंड सेकेंड, जो डैमेज हो गया है उसको रिवर्स, उसको रिपेयर करने के लिए, दैट इज़ द ट्रीटमेंट. तो पहले हम बात करेंगे प्रोटेक्शन की. अब प्रोटेक्शन के लिए आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है. सबसे पहला आपको एक्सटर्नल प्रोटेक्शन, दैट मीन्स पहले तो अवॉइड करो. अवॉइडेंस दैट मीन्स हम कहते हैं ना, प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर, वही चीज़ है. हमें जो 10 बजे से 2 बजे तक का जो टाइम होता है, दैट इज़ द पीक आवर, उस टाइम पे जो सन रेज है बहुत ज़्यादा हार्मफुल रहती है, तो वो उस टाइम पे आपको अवॉइड करना है धूप में जाना. इन केस आपको जाना पड़ रहा है किसी भी काम से, तो आपको अपने को प्रोटेक्ट करना है. हैट आप यूज़ कर सकते हैं, अम्ब्रेला आप यूज़ कर सकते हैं, अपने को आप फुल लाइक कवर्ड क्लोथ्स आप पहनो, जिससे कि आपकी स्किन कवर्ड रहे. इसके अलावा नेक्स्ट इज़ सन प्रोटेक्शन, दैट मीन्स सनस्क्रीन आपको यूज़ करनी है. सनस्क्रीन इज़ द वेरी इम्पॉर्टेंट स्टेप जो आपको फॉलो करना है प्रोटेक्शन में. अब उसमें क्या है कि जो सनस्क्रीन्स हम लेते हैं उनमें आपको मेक श्योर करना है कि ये तीन चीज़ें तो हो ही, मैंडेटरी हैं. पहला, वो 30 या उससे ज़्यादा SPF की हो. सेकंड, ब्रॉड स्पेक्ट्रम हो, ताकि UVA UVB दोनों ही रेडिएशन से आपको बचाए. नॉन कॉमेडोजेनिक होनी चाहिए ताकि वो पोर्स क्लॉग ना करें. इसके अलावा कई सनस्क्रीन है जो ब्लू लाइट से भी प्रोटेक्ट करती हैं. कई सनस्क्रीन ऐसी आ रही हैं जो आजकल आपके सन डैमेज को रिपेयर भी करती है, उसमें कुछ कुमकुम, एला, ऐसे कुछ हर्ब्स पड़े होते हैं, तो दैट इज़ ऑल्सो गुड. अगर आपको ये चीज़ें मिल रही है तो वो एडिशनल बेनिफिट है. अदरवाइज़ आपको SPF एंड ब्रॉड स्पेक्ट्रम, ये सब चीज़ें आपको सनस्क्रीन में देखनी है. इसके अलावा आपको ये भी देखना है कि वो सनस्क्रीन आपकी स्किन को सूट करे. सूट करे एज इन कि जैसे जिन लोगों की ऑयली स्किन है, एक्ने प्रोन स्किन है, वो कोशिश करें कि वो ऐसी सनस्क्रीन लें जो कि जेल बेस्ड हो. आपकी अगर बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन है तो आप क्रीम बेस्ड सनस्क्रीन यूज़ कर सकते हैं, कॉम्बिनेशन है तो आप लोशन बेस्ड भी यूज़ कर सकते हैं. सो इट डिपेंड्स कि आपका स्किन टाइप क्या है, उसके अकॉर्डिंग ही आप सनस्क्रीन चूज़ करें. नाउ कमिंग ऑन द ट्रीटमेंट पार्ट, अब जो डैमेज हो गया है उसको कैसे रिपेयर करें, स्किन जो डल हो गई है, टैन हो गई है, उसको कैसे ब्राइटन अप करें, उसके बारे में बात करते हैं. तो हम इंडियंस हैं, सबसे पहले ट्रीटमेंट हम अपने घर से ही शुरू करते हैं. तो घर का जो ट्रीटमेंट है, आई डोंट थिंक कि वो किसी ने कभी अपने लाइफ में यूज़ नहीं किया होगा या किसी को देखा नहीं होगा अपनी फैमिली में करते हुए, वो है दही और बेसन का पेस्ट. तो डेफिनेटली
इट रियली हेल्प्स। आप ये कर सकते हो, दही और उसमें थोड़ा सा बेसन मिक्स करके एक पेस्ट बना लो, उस पेस्ट में आप थोड़ा सा हल्दी भी डाल सकते हो एक दो चुटकी, क्योंकि हल्दी क्या होती है, वर्णी होती है, स्किन के कॉम्प्लेक्शन को इम्प्रूव करती है। तो वो पेस्ट आप अपने फेस पे अप्लाई करो, 20 मिनट्स बाद आप वॉश कर दो, वो स्किन में जो एक्यूमुलेशन हुआ रहता है मेलानिन का उसको कम करता है और स्किन को ब्राइटन अप करता है। इसके अलावा आप एलोवेरा जेल से फेस में मसाज कर सकते हो, आप गुलाब जल स्प्रिंकल कर सकते हो अपने फेस पे, आप आइसिंग कर सकते हो। तो ये कुछ होम केयर रेमेडीज़ है जो कि आप डेली रूटीन में जब आप घर आते हो तो वो आप कर सकते हो, जिससे आपकी स्किन में टैनिंग कम होगी और स्किन ब्राइटन अप होगी। नाउ कमिंग ऑन द नेक्स्ट स्टेप, वो है हाइड्रेशन। यस, हाइड्रेशन इन बोथ वेज, एक्सटर्नली और इंटरनली आपको करना है। इससे भी क्या होता है कि आपके जो बैरियर्स हैं स्किन के वो रिपेयर होते हैं। तो हाइड्रेशन में ट्रॉपिकली आप मॉइस्चराइजर्स लगा सकते हो। मॉइस्चराइजर क्या करेगा कि आपके स्किन में जो मॉइस्चर है उसको लॉक करके रखता है और जो एक बैरियर क्रिएट कर देता है स्किन की सरफेस पे, जिससे कि वो जो रेडिएशंस हैं या फिर जो एनवायरमेंटल डैमेज है उससे आपकी स्किन जो है प्रोटेक्टेड रहती है। इसके अलावा और क्या कर सकते हो आप, इंटरनल हाइड्रेशन इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इंटरनल हाइड्रेशन के लिए आप, तो समर्स हैं तो इतने सारे जूसेज हैं, आप बेल का जूस ले सकते हो, आप शुगर केन जूस ले सकते हो, आप कोकोनट वाटर ले सकते हो, आप कुछ डिटॉक्स टीज ले सकते हो, साथ में आप एलोवेरा जूस, आंवला जूस, ये सारे जूसेस आप ले सकते हो, यू कैन हैव ग्रीन टी। तो इस तरह से जो ये जूसेस हैं ये आप ले सकते हो। पानी तो डेफिनेटली ऑब्वियस है, पानी आपको लेना ही है, 8 से 10 ग्लास पानी लेना है। आपको बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है तो आप 12 ग्लास भी ले सकते हो, तो इट डिपेंड्स, बट सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर इज़ इनफ। पानी पीते हुए आपको एक और चीज़ का ध्यान रखना है कि पानी, कई लोगों की आदत होती है कि एक साथ पी लेते हैं कि आज पूरे दिन पानी नहीं पिया तो 1 लीटर पानी एक साथ पी लिया, या मॉर्निंग में 1 लीटर पानी पी लिया, ऐसा नहीं करना है। पानी आपको पीना है 10 से 12 ग्लास, लेकिन वो आपको एक टाइम पे 6 ग्लास या एक टाइम पे 2 ग्लास नहीं पीना है, उसको धीरे धीरे पीना है, क्योंकि अगर आप ऐसे पियोगे तो उससे आपकी जो अग्नि है, डाइजेस्टिव फायर है, वो मंद होगी, वो डिस्टर्ब होगी और आपको डाइजेस्टिव इश्यूज होंगे। तो इसीलिए थोड़े थोड़े इंटरवल में आपको पानी पीते रहना है, अपने को हाइड्रेट रखना है। जब आप अपने को हाइड्रेट रखोगे तो उससे भी आपके स्किन के सेल्स रिपेयर होते हैं, आपके बैरियर्स रिपेयर होते हैं, स्किन में मॉइस्चराइज होती है आपकी स्किन और स्किन में जो है ग्लोइंग होती है, यूथफुल स्किन आपकी होगी अगर आप अपने को हाइड्रेटेड रखोगे। सो अब हम बात करेंगे सप्लीमेंट्स की। तो मार्केट में ऐसे आजकल काफ़ी सप्लीमेंट्स हैं जिनको आप ओरली लेते हैं तो वो आपके स्किन में को ब्राइटन अप करते हैं और स्किन में जो डैमेज है उसको रिपेयर करने में हेल्प करते हैं। जैसे उनमें होता है विटामिन सी है, विटामिन ई है, विटामिन ए, एंटीऑक्सीडेंट्स के सप्लीमेंट्स आते हैं। इसके अलावा ओमेगा 3 के सप्लीमेंट्स आते हैं जो स्किन की इलास्टिसिटी को इम्प्रूव करते हैं, स्किन को नरिश्ड रखते हैं और जो बैरियर्स हैं उनको रिपेयर करते हैं। उसके अलावा ग्लूटाथायोन के सप्लीमेंट्स आते हैं जो कि स्किन को ब्राइटन अप करने में हेल्प करता है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट है। तो ये सारे सप्लीमेंट्स भी लोग लेते हैं सन डैमेज को रिपेयर करने के लिए और टैन को रिपेयर करने के लिए, और वो काम भी करते हैं। बट डू यू नो कि ये सारे सप्लीमेंट आपको अपनी डाइट से भी मिल सकते हैं, तो यू कैन फोकस ऑन योर डाइट एज वेल। जैसे कि मैं आपको अभी बताती हूँ कुछ ऐसे फ्रूट्स, कुछ वेजिटेबल्स जिनसे आपको ये सारे सप्लीमेंट्स, ये सारे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, विच यू कैन ऐड ऑन इन योर डाइट टू गेट यू नो ग्लोइंग स्किन एंड अपने टैन को रिमूव आप इजीली कर सकते हो अगर आप इसको 2 या 3 महीने तक रेगुलरली ये फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स अपनी डाइट में लेते हो। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपनी डाइट में कलरफुल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स डालने हैं। मतलब कि जितने भी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ग्रीन, रेड, येलो, कलरफुल होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं एंड जो कि आपकी स्किन में ग्लो को भी बूस्ट करते हैं, कोलेजन को इम्प्रूव करते हैं, स्किन के बैरियर्स को रिपेयर करते हैं एंड डलनेस को, टैनिंग को कम करते हैं। उसके लिए फ्रूट्स में आप क्या ले सकते हैं, आप बेरीज ले सकते हैं, सिट्रस फ्रूट्स आप ले सकते हो जैसे कि कीवी ले सकते हो, आप ऑरेंज ले सकते हो, आप किनू ले सकते हो, आप मैंगो ले सकते हो, बनाना, पपाया, एवोकाडोज यू कैन हैव। तो ये सारे फ्रूट्स आप अपनी डाइट में इंक्लूड करो। इसके अलावा आप कुछ वेजिटेबल्स जैसे कि बेल पेपर हो गया, वो भी ग्रीन, रेड, येलो आती है, उसको आप डाइट में ले सकते हो। आप ब्रोकली ऐड कर सकते हो, स्वीट पोटैटो यू कैन हैव, उसमें प्रो विटामिन ए होता है जो कि रेटिनॉल का ओरल सब्स्टिट्यूट है, वो आप ले सकते हो। तो ये चीज़ें आप अपनी डाइट में इंक्लूड करोगे तो इट विल हेल्प यू टू गेट अ ग्लोइंग स्किन और जो कि टैन को भी कम करेगी। एक और चीज़ मैं आपको बताती हूँ कि टमाटो जो है, हमने सुना है कि टमाटो टैन को कम करता है, तो बीच में बहुत चला था कि 4-5 टोमेटो डेली खाओ, तो डेफिनेटली इट हेल्प्स। बट क्या होता है कि आप उसे रॉ लोगे तो वो बहुत अच्छा काम करेगा। टमाटो जो होता है वो टैनिंग से भी इम्प्रूव बचाता है स्किन को और जो है डैमेज है उसको भी रिपेयर करता है, उसमें बहुत ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। बट
यू हैव टू मेक श्योर कि उसको आप ओवर कुक ना करें, क्योंकि हम इंडियंस ज़्यादातर ग्रेवीज और ये सब बनाते हैं खाना तो उसे ओवर हीट कर देते हैं, जिससे उसका न्यूट्रिशन ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए टमाटो, कुकुम्बर, ये सब भी आप जो है सैलेड में ले सकते हो, जो कि सन डैमेज से रिपेयर करेगा आपकी स्किन को। इसके अलावा आप ओमेगा 3, ये भी बहुत ज़रूरी है अपनी डाइट में इंक्लूड करना। तो ओमेगा 3 क्या होता है, हमारी स्किन में जो इलास्टिसिटी है उसे मेंटेन करता है, नरिश्ड रखता है स्किन को, ल्यूमिनस बनाता है। तो ओमेगा 3 के लिए आप अगर वीगन हैं तो आप वॉलनट ले सकते हैं, उसमें ओमेगा 3 के साथ साथ ओमेगा 6 भी होता है। तो ये हमारे को बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है स्किन की इलास्टिसिटी मेंटेन करने के लिए, स्किन के बैरियर्स को रिपेयर करने के लिए, जैसे मैंने अभी बताया। इसके साथ साथ आप जो है फ्लैक्स सीड, चिया सीड्स या सोयाबीन, ये इंक्लूड कर सकते हैं। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप फ़िश ले सकते हैं, फ़िश में भी आपको ओमेगा 3 मिलता है, साथ साथ जिंक भी मिलता है। तो ये कुछ डाइट थी जो आप फूड आइटम्स थे जो आपको अपनी डाइट में इंक्लूड करना है। इसके अलावा मार्केट में आजकल बहुत सारे प्रोसीजर्स चल रहे हैं, जैसे कि केमिकल पील्स, लेज़र ट्रीटमेंट्स, ये सब भी आप सन डैमेज से अपने फेस को रिपेयर करने के लिए करवा सकते हैं। बट इसके लिए आई वुड रिकमेंड कि आप पहले किसी डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट कर लें, उसके बाद ही आप इन प्रोसीजर्स पे जाएं। सो आई होप ये सेशन इन्फॉर्मेटिव रहा होगा एंड आप रिलीजियसली फॉलो करेंगे ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं, प्रोटेक्शन एंड ट्रीटमेंट, एंड जो डलनेस है ये डेफिनेटली कम होगी, आप बस रिलीजियसली, कंसिस्टेंसी इज़ द की। तो जैसे कि सन कंसिस्टेंट है कि वो धूप दे रहा है, टैनिंग कर रहा है, तो ऐसे ही आपको भी डाइट और लाइफस्टाइल अपना कंसिस्टेंट रखना है कि आप उससे बॉदर ना हो और अपनी स्किन को प्रोटेक्ट करें और उसको ट्रीट करें। तो जैसे समर ब्राइट है ऐसे ही आपकी स्किन भी ब्राइट होनी चाहिए, उसके लिए डू फॉलो दिस। और ऐसे ही अगर आप आगे कुछ जानना चाहते हैं स्किन से रिलेटेड, हेयर से रिलेटेड, आपकी कुछ भी क्वेरी रहती है तो आप प्लीज़ उसे कमेंट बॉक्स में डालिए, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो उसी से रिलेटेड बनाऊँ। दिस इज़ डॉक्टर सुधी थपलियाल फ्रॉम टैक। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।